नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है। अरे दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, कैद तो तू खुद अपने ही नजरिए के पिंजरे में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BSLD एजुकेशन अड्डा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और ये टॉपिक साझा स्थापत्य कला शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं उन सभी का आपको PDF नोट्स बहुत जल्दी मिलेगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसके लिए। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे नोट्स दिए जाएंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी मेरी वीडियोस आएगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी ही वो सेवाएं बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मुगल साम्राज्य हमारा चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत में ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मुगल साम्राज्य में मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतें टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर स्थापत्य कला को कंप्लीट कर लिया और शाहजहां स्थापत्य कला हमारा चल रहा है, ठीक है। इसी साझा स्थापत्य कला में हमने काफी शाहजहां स्थापत्य कला के पार्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसके किन किन इमारतों को हमने कंप्लीट किया है तो शाहजहां स्थापत्य कला पार्ट 7 के 4 में हम लोगों ने शालीमार बाग जो लाहौर में है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में, हयात बाग जो दिल्ली के किले में है, ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और शाहजहां स्थापत्य कला के पार्ट 7 के 4 के B को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने आगरा की प्रमुख इमारतें जो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, जैसे दीवान आम, दीवान खास, मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन, ठीक है, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए थे उसमें हम लोगों ने शाहजहां स्थापत्य कला पार्ट 7 के 4 के C में भी जो शेष प्रमुख इमारतें आगरा के किले की रह गई थी जो कि अब शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, उनका भी हमने अध्ययन कर लिया, जैसे कि जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग और नहर ए वहिश्त। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं शाहजहां स्थापत्य कला में उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आए हैं, पार्ट 7 के 4 का D, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो शेष इमारतें आगरा के किले में रह गई हैं जो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, चलिए आइए उनका अध्ययन करेंगे। देखिए जैसे कि मच्छी महल, झरोका दर्शन, मीना मस्जिद आगरा की, मुसम्मन बुर्ज जिसे शाही बुर्ज कहा जाता है, रंग महल, नौबत खाना जिसे नक्कार खाना के नाम से भी जाना जाता है और शाहजहां महल, ये जितनी भी इमारतें हैं ये शाहजहां के द्वारा आगरा के किले में बनवाई गई थी। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग इन सभी इमारतों का अध्ययन करते हैं। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं मच्छी महल की, ठीक है, मच्छी महल भी कहते हैं इसे, या फिश पैलेस या फिश चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है, इसे मच्छी भवन के नाम से भी जाना जाता है और इसे जनाना खाना भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, जनाना खाना, क्योंकि यहाँ जनाने भी रहा करते थे, ठीक है। तो ये जो मच्छी महल है ये ठीक खास महल के परिसर में ही उसके सामने बना हुआ है ये मच्छी महल। कहा जाता है कि जो मच्छी महल बनवाया गया था इसके सामने एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ सोने चांदी की मछलियाँ जो थी वो सम्राट के मनोरंजन के लिए लगवाई जाती थी और वहाँ काफ़ी कार्यक्रम और आयोजन हुआ करते थे। बाद में जब अंग्रेजों ने इस आगरा के किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था उसके बाद में तालाब को नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, तो आगरा के मच्छी महल की बात करें हम लोग तो इसका निर्माण 1634 से 1635 में शुरू करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। ये जो मच्छी महल है ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थरों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, सोने एवं चांदी की मछलियों को इसमें सम्राट के मनोरंजन के लिए रखा जाता था इस तालाब में, जो मच्छी महल के सामने जो तालाब था इसके जस्ट सामने ही उसमें सोने चांदी की मछलियों को रखा जाता था उनके मनोरंजन के लिए, ठीक है, और कुछ अलग अलग तरीके के खेल आयोजन आदि हुआ करते थे। और इसी मच्छी महल में हीरे जवाहरात एवं शाही दस्तावेज भी शाहजहां के रखवाए जाते थे, ठीक है। इस ये जो मच्छी महल है ये मच्छी महल 2 मंजिला इमारत है, ठीक है, और इसी मच्छी महल में तालाब एवं फुब्बारे भी आदि हुआ करते थे। प्रेजेंट में फुब्बारे तो हैं लेकिन तालाब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, इस मच्छी महल में विभिन्न प्रकार की जीवित मछलियाँ भी इस तालाब में, इस मच्छी महल के तालाब में रखी जाती थी और निर्जीव सोने चांदी की मछलियाँ भी इस तालाब में डाली जाती थी, ठीक है। और मच्छी महल से ही जीवित मछलियों को तालाब से निकालकर मीना बाजार के बाजार में जाकर उनको बेचा भी जाता था। अब आ जाते हैं हम लोग झरोका दर्शन पर, ठीक है। तो झरोका दर्शन क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए झरोका दर्शन जो है ये ना तो कोई इमारत है या ना तो कोई भवन है, ये एक तरह की परंपरा थी जो कि फारसी परंपरा और हिंदू प्रथा का एक मिश्रण थी, ठीक है, ये कोई एक भवन या इमारत नहीं थी, आप इस चीज को नहीं सोचिएगा, ये एक परंपरा थी। चलिए तो देख लेते हैं ये क्या परंपरा थी, ठीक है, फारसी परंपरा थी और ये हिंदू प्रथा का एक मिश्रण थी, ठीक है। तो ये कैसा मिश्रण थी उसको भी देख लेते हैं। तो पहले फारसी परंपरा को देखते हैं, इसमें क्या होता था, सम्राट जो थे वो किसी विशेष महल की विशेष खिड़की से क्या करते थे, वहां खड़े होकर या बैठकर जनता व दरबारियों को क्या करते थे, दर्शन दिया करते थे, ये तो थी फारसी परंपरा। लेकिन हिंदू प्रथा का इसमें मिश्रण कैसे दिखाई देता है, तो इसमें क्या करते थे, सम्राट जो थे वो सूर्य नमस्कार करके ही दर्शन दिया करते थे किसी खास महल की खिड़की से अपनी जनता को। तो इसीलिए हिंदू प्रथा, क्योंकि हिंदू प्रथा में क्या है कि सूर्य को नमस्कार करते हैं ना, तो सूर्य को नमस्कार करने के बाद ही दर्शन दिया करते थे जो सम्राट हुआ करते थे अपनी जनता में अपने दरबारियों को, और जनता और दरबारी जो थे इस खिड़की के नीचे खड़े हुआ करते थे, ठीक है, जहाँ से सम्राट जो थे वो फरियादें भी सुनते थे लोगों की, जो परेशानियां वगैरह हुआ करती थी उन सारी चीज़ों को देखा करते थे, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो झरोका दर्शन है
मुगल काल में इसकी जो शुरुआत की गई थी वो अकबर के द्वारा इस झरोखा दर्शन को सर्वप्रथम शुरू करवाया गया था। बाद में जहांगीर के द्वारा इसको फॉलो किया गया, शाहजहां के द्वारा फॉलो किया गया और औरंगजेब के शासनकाल में तो ये झरोखा दर्शन को बंदी करवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू प्रथा का मिश्रण था ना, इसलिए उसको लगता था कि ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध है झरोखा दर्शन, इसलिए औरंगजेब ने इसको बंद भी करवा दिया था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। ये जो झरोखा दर्शन था ये खास महल के ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से जनता एवं दरबारियों को जो सम्राट थे वो दर्शन दिया करते थे। ये तो था शाहजहां के शासनकाल की बात, क्योंकि शाहजहां स्थापत्य कला पढ़ रहा है इसलिए शाहजहां को मैंने बताया कि खास महल से वह ऊपर वाली जो मंजिल हुआ करती थी उसकी खिड़की से जनता एवं दरबारियों दर्शन दिया करते थे शाहजहां। ठीक है, लेकिन अन्य सम्राटों की हम लोग बात करें तो अकबर जो थे वो अकबर क्या करते थे, फतेहपुर सीकरी में खास महल बना हुआ है ना फतेहपुर सीकरी में, तो उसी की ऊपर वाली खिड़की से क्या करते थे, दर्शन दिया करते थे जनता को। ठीक है, और जहांगीर जो थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो यही आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज, क्योंकि यहाँ पहले अकबर के द्वारा मुसम्मन बुर्ज बनवा दिया गया था, तो ठीक है उसी की खिड़की से क्या करते थे, जनता को दर्शन दिया करते थे। और बाद में अकबर जो थे वो आगरा के किले में शाही बुर्ज से या मुसम्मन बुर्ज से जनता को दर्शन भी दिया करते थे। ठीक है, और सम्राट शाहजहां कहां से दर्शन दिया करते थे, तो वो आगरा एवं दिल्ली के खास महल की ऊपर वाली खिड़की से क्या करते थे, जनता को दर्शन दिया करते थे, मतलब इसे ही झरोखा दर्शन कहा जाता था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए, इस झरोखा दर्शन को जब जनता को दिया जाता था, ये किसी विशेष खिड़की से सम्राट जब उस खिड़की पर झांकते थे तो क्या होता था, इसमें वाद विवादों को सुनते थे सम्राट, ठीक है, उनकी फरियादें आदि भी सुनते थे एवं अन्य मामलों को देखते थे, वह उनको न्याय भी उसी खिड़की से सुना दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि नीचे जो थी खिड़की के नीचे वो जस्ट जनता खड़ी होती थी ना, तो उनको दर्शन दिया करते थे। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। हुमायूं की बात कर लें तो हुमायूं जो था वो भी अपनी जनता को किसी विशेष खिड़की से दर्शन दिया करते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जनता को खिड़की से दर्शन देने की जो शुरुआत की थी ना वो हुमायूं के द्वारा ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसको एक विशेष जो दर्जा दिया गया वो अकबर के टाइम में एक झरोखा दर्शन के नाम से इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। झरोखा दर्शन की अगर हम बात करें तो झरोखा दर्शन जो था वो सम्राट जो थे वो अपनी इच्छा अनुसार ही जनता को दर्शन दिया करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, पहले वो क्या करते थे, वो अनाउंस करवा दिया करते थे अपने दरबारियों के द्वारा कि वह जनता को दर्शन देंगे, और बाद में जो दरबारी थे वो जनता के बीच में जाके ढोल लंगड़े ले जाके अनाउंस करवाते थे कि आज जो है सम्राट वो दर्शन देने वाले हैं, जिसे झरोखा दर्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, झरोखा दर्शन जो था वो सूर्यास्त से पहले दिया जाता था जनता को। ठीक है, सूर्य को नमस्कार करके उसके बाद में दिया जाता था, तो ये था हमारा झरोखा दर्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग मीना मस्जिद की। ठीक है, आगरा की मीना मस्जिद की हम लोग बात कर रहे हैं तो आगरा की मीना मस्जिद का निर्माण 1631 से 40 के बीच में करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, ये जो मीना मस्जिद है ना, मीना मस्जिद के चारों ओर से लंबी दीवारों से ये मीना मस्जिद जो है वो घिरी हुई है। ठीक है, और मीना मस्जिद जो है ये एक छोटी सी मस्जिद है जो संगमरमर के द्वारा बनाई गई है, संगमरमर पत्थर का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, मीना मस्जिद जो थी यह शाहजहां की निजी मस्जिद थी, शाहजहां ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, इस मीना मस्जिद में ज्यादा सजावट आदि देखने को नहीं मिलती है, बहुत सादा सिंपल तरीके से इसका डिजाइन तैयार किया गया। मीना मस्जिद एकदम मुसम्मन बुर्ज जो शाही बुर्ज है उसके पास में है। ठीक है, कहा जाता है कि जब शाहजहां जो थे उनको 1658 से 1666 तक के बीच में जब उनको 8 वर्ष के लिए कैद कर लिया गया था तो वो इसी मस्जिद में नवाज पढ़ा करते थे, जो उनका समय था कैद का 8 वर्ष का, तो और मुसम्मन बुर्ज के पास में ही थी ये। ठीक है, जो मस्जिद थी मीना मस्जिद, तो यहीं पर वो नवाज अदा करते थे। तो ये था हमारा मीना मस्जिद। अब बात कर लेते हैं हम लोग मुसम्मन बुर्ज की। ठीक है, या जिसे शाही बुर्ज भी कहा जाता है। ठीक है, इस मुसम्मन बुर्ज का जो नींव रखी गई थी ना वो लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा अकबर ने ही इसको बनवा दिया था, लेकिन बाद में जहांगीर ने भी इसमें कुछ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करवाया, लेकिन बाद में जब शाहजहां का शासनकाल आया तो शाहजहां ने तो इसको पूरी तरह से तोड़वा दिया था, और तोड़वाने के बाद में अपने ही तरीके से इस मुसम्मन बुर्ज का निर्माण कराया था। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। ये मुसम्मन बुर्ज जो है आगरा में है। ठीक है, इसका निर्माण 1631 में शुरू करवाया गया था शाहजहां के द्वारा और कंप्लीट कब हुआ था 1640 में। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज जो है ये यमुना नदी के किनारे व एक गहरी खाई के पास में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके अंदर जब हम एंट्री करते हैं मुसम्मन बुर्ज को जब देखने जाएंगे तो अब तो फिलहाल नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शाहजहां एवं उसकी बड़ी बेटी को जहान आरा को, ठीक है, औरंगजेब ने क्या कर लिया था 1658 से 1666 तक के बीच में कैद में रखा था, उनको कैद कर लिया था, जहां 8 वर्ष के बाद में ताज का दीदार करते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस शाही बुर्ज में या मुसम्मन बुर्ज में ही ली थी शाहजहां ने। ठीक है, क्योंकि इनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था शाहजहां को और इसी शाही बुर्ज में उनको रखा था। ठीक है, अपने पिता की देख रेख के लिए भी किनको कैदी बना लिया गया था जहान आरा को, के ये जो है जहान आरा अपने पिता की देखरेख करती रहेंगी, इसलिए औरंगजेब ने जहान आरा को भी कैदी बना लिया था। ठीक है, लेकिन उनको छूट दी गई थी कुछ जहान आरा को। चलिए और बात कर लेते हैं। ये जो मुसम्मन बुर्ज या शाही बुर्ज है यह अष्टकोणीय आकृति का भवन है। ठीक है, जिसे छज्जानुमा कहा जाता है, एक छज्जे टाइप में बना हुआ है। यहीं से तो अकबर और जहांगीर जो थे वो क्या करते थे, दर्शन दिया करते थे ना झरोखा दर्शन। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये शाही बुर्ज या मुसम्मन बुर्ज जो है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, तो पर्यटक इस शाही बुर्ज या मुसम्मन बुर्ज को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये जो शाही बुर्ज है या मुसम्मन बुर्ज है इसे समन बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दीवाने खास
इमारत के पास में ही स्थित है। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किस लिए कराया गया था तो ये भी देख लेते हैं। शाहजहां ने मुसम्मन बुर्ज का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी मुमताज को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, ताजमहल का हमेशा दीदार करते रहने के लिए इसका निर्माण कराया था। ठीक है, समझ में आ रहा ना अच्छे से। मुसम्मन बुर्ज और ताजमहल का साथ साथ ही निर्माण कराया गया था, इस चीज को भी याद रखिएगा, क्योंकि ताजमहल 1631 से ही शुरू कर दिया गया था ना, जब मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी, और मुसम्मन बुर्ज भी तभी बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए और बात कर लेते हैं। मुसम्मन बुर्ज जो है ये 6 मंजिला इमारत है। ठीक है, और इसमें मीनाकारी, पच्चीकारी एवं फूल आकृतियों की खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है। ठीक है, और मुसम्मन बुर्ज जो है ये संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई इमारत है, और अकबर के टाइम में ये बलुआ पत्थरों से बनवाई गई थी, लेकिन शाहजहां के टाइम में इसको तोड़वाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अष्टकोणीय आकार देकर इसको छज्जा नुमा बनाकर क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। शाही परिवार की महिलाएं यहां बैठकर पशुओं का युद्ध भी देखा करती थी शाहजहां के टाइम में। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में जब ये मुसम्मन बुर्ज बलुआ पत्थर का था, तो यहीं पर शाही बुर्ज पत्थर पर सोने की जंजीर भी लगवाई गई थी, जैसा कि मैंने पढ़ाया है। जहांगीर स्थापत्य कला को आप पूरी तरह से देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट वीडियोस में जाकर। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। जहांगीर ने अमर सिंह व उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां लगवाई थी इस शाही बुर्ज में, और बाद में औरंगजेब के द्वारा इन मूर्तियों को तोड़वा भी दिया गया था। तो ये था शाही बुर्ज। चलिए और बात कर लेते हैं। शाही बुर्ज जो था ये शाहजहां का कार्य निजी क्षेत्र भी था, जहां शाहजहां फुर्सत में क्या करते थे, साम्राज्य संबंधी जो कार्य थे उनको देखा करते थे। ठीक है, और ये जो शाही बुर्ज था ये अकबर के काल में बलुआ पत्थरों के द्वारा बनवाया गया था, और यहीं से वह झरों का दर्शन भी दिया करते थे, अकबर भी दिया करते थे और जहांगीर भी अपनी जनता को झरों का दर्शन दिया करते थे। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। बाद में जहांगीर भी थोड़े समय के लिए यहाँ पर दर्शन दिया करते थे, जैसा कि मैंने बता दिया है। ठीक है, शाहजहां के द्वारा इसको पूर्ण संगमरमर से सजाया गया, वह कुछ टाइम यहाँ से भी शाहजहां क्या करते थे, दर्शन दिया करते थे। जब तक किसका निर्माण नहीं हुआ था, खास महल का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक वो यही मुसम्मन बुर्ज व शाही बुर्ज से आम जनता को झरों का दर्शन दिया करते थे। तो दर्शन, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग रंग महल की। ठीक है, रंग महल जो था इसका निर्माण किस लिए कराया गया था तो वो देख लेते हैं। सम्राट की रानी, उपरानी एवं पत्नियां जो थी उनकी, ठीक है, वो यहाँ रहा करती थी तथा उनके रहने के लिए इसका निर्माण कराया गया था रंग महल का। ठीक है, आगरा के किले के हम रंग महल की बात कर रहे हैं तो इसका निर्माण 1631 से 40 के बीच में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये रंग महल दिल्ली में भी है, आगरा के किले में भी है, और फतेहपुर सीकरी के किले में भी है। दिल्ली और आगरा के रंग महल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, लेकिन फतेहपुर सीकरी के रंग महल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ये था छोटा सा रंग महल के बारे में, चलिए और जान लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग शाहजहां महल के बारे में। ठीक है, यह जिसे शाहजहानी महल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, शाहजहां महल जो था शाहजहां का एक ऐसी कृति थी जो उसने सबसे पहले अपने लिए महल बनवाया था। ठीक है, बाकी के और किसी किले में उसने अपने लिए महल नहीं बनवाया था, और ये स्वयं के लिए शाहजहां ने आगरा के किले में ही महल बनवाया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आगरा के किले में इसका निर्माण 1628 से 35 के बीच में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इस शाहजहां महल का निर्माण लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग व ईंटों का प्रयोग करके इसका निर्माण कराया गया था। तो देखिए, लाल बलुआ पत्थरों से मतलब उसने निर्माण कराया, तो आप समझ सकते हैं कि यह सर्वप्रथम इमारत थी शाहजहां के द्वारा जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से बनवाई थी पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें संगमरमर का थोड़ा बहुत ही प्रयोग किया गया था। कहने का अर्थ यह है कि संगमरमर से लाल बलुआ पत्थरों की ओर शाहजहां का जाना यह उसकी पहला प्रयास था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। शाहजहां का जो महल था यह अष्टभुजाकारी आकृति का बना हुआ था, जिसमें दो कमरे थे। ठीक है, तो ये दो कमरे वाला महल था। और बात कर लेते हैं, जो शाहजहां का महल था इसमें सुंदर आकृतियां आदि उकेरी गई थी, डिजाइन वगैरह बनाए गए थे। ठीक है, शाहजहां का यह विश्राम कक्ष था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। ये जो शाहजहां महल था आगरा के किले का, यह सफेद संगमरमर के प्लास्टर का भी इसमें प्रयोग किया गया था थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग नौबत खाना की, जिसे नक्कार खाना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नौबत खाना है ये फतेहपुर सीकरी में भी है, दिल्ली के किले में भी है, और आगरा के किले में भी है। फतेहपुर सीकरी के किले का नौबत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था, और दिल्ली के किले के नौबत खाना और आगरा के किले के नौबत खाने का निर्माण, दोनों का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो नौबत खाने की बस इतनी सी है, ये जो स्थल था यह संगीत आदि कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाता था। तो ये था नौबत खाना। ठीक है, तो आज हमने शाहजहां के द्वारा जो आगरा के किले में जो इमारतें बनवाई गई थी उन सभी इमारतों का पूरी तरह से हमने अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग दिल्ली के किले में जो शाहजहां के द्वारा इमारतें बनवाई गई हैं उनका अध्ययन करेंगे, और दिल्ली के लाल किले का भी अध्ययन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।